लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग। आज का दिन मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग है और एक्चुअली थोड़ा सा मुझे नर्वसनेस भी हो रहा है क्योंकि आई एम गोइंग टू बाय अ रेंज रोवर। और क्यों मुझे नर्वसनेस हो रहा है? क्योंकि आई एम बाइंग 2009 रेंज रोवर जो कि 270,000 किलोमीटर चली हुई है, बट इट्स इन ग्रेट अमेजिंग कंडीशन। तो लेकिन द प्रॉब्लम इज कि जैसे अली भाई हैं जो जिनका गराज है, वो उन्होंने मुझे बोला है जितनी तेरी रनिंग है ना, मतलब टैक्सी ड्राइवर्स या जो बहुत ज़्यादा गाड़ी चलाते हैं उनके बाद तू ही गाड़ी चलाता है, तो इतने गाड़ी चलेगी और रेंज रोवर जैसी गाड़ी लेना इज़ नॉट अ वेरी एडवाइजेबल थिंग। तो इसलिए मुझे नर्वसनेस हो रही है। और मेरे फ्रेंड्स ने भी मुझे बोला है कि अगर रेंज रोवर ले रहा है तू तो उसको ले, और उसको जैसे वीकेंड्स पे चलाने के लिए या थोड़ी बहुत दूर जाने के लिए, ना कि जैसे कि मेरी गाड़ी चलती है आज अबू धाबी, कल रसल खैमा, परसों कहाँ, इधर कहाँ। तो हर रोज़ 200-300 किलोमीटर की रनिंग है, तो रेंज रोवर इज़ नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन। लेकिन मैंने इन सब की बातों को एक साइड में रख के और जिद पकड़ ली है कि नहीं, रेंज रोवर ही लेंगे। बिकॉज उसके एक दो रीज़न ये हैं कि पहला रीज़न है कि जो गाड़ी की कॉस्ट है वो बहुत कम है, तो आई एम सेविंग अ लॉट ऑफ मनी ओवर देयर। उसके बाद में पेट्रोल ज़्यादा पिएगी तो डेफिनेटली कॉस्ट कम है, तो कहीं ना कहीं 2-3 साल के बाद में वो चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। दूसरा कि रेंज रोवर की जो राइड क्वालिटी है, जो कम्फर्ट लेवल है एंड द अमाउंट ऑफ ड्राइविंग आई डू, तो वो कम्फर्ट लेवल बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि मैं पहले जीप ग्रैंड चेरोकी SRT8 चला रहा था, इट वाज वेरी नॉइजी, रोड नॉइज़ बहुत ज़्यादा होती है हाई स्पीड में। फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू अबू धाबी, तो हाईवे पे मेरी गाड़ी 130 की स्पीड से चल रही है अगर, या 135 की स्पीड से चल रही है, और पूरे रास्ते एक कॉन्स्टेंट आवाज़ आती है। आई मीन ये जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको बातें, सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस पे गाड़ी चलाते हैं, और मतलब दे कैन अंडरस्टैंड कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और जो शॉर्ट डिस्टेंसेज पे चलाते हैं दे विल नेवर अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि जो लॉन्ग डिस्टेंसेज पे चलाते हैं ना गाड़ी, दे कैन नॉट ऑलवेज ड्राइव विद म्यूजिक ऑन, कि यार म्यूजिक ऑन कर लो, कुछ आवाज़ नहीं सुनाई देगी दूसरी, हर समय नहीं। कभी कभी आपका मन करता है आप शांति से अच्छी सी सीट पर बैठ के गाड़ी चलाओ। तो वो बहुत सारे रीज़न है कि रेंज रोवर इज़ सो कम्फर्टेबल। हाँ, उसके बदले में जो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी वो ये है कि गाड़ी बार बार ख़राब होती है, रिलायबिलिटी इशूज बहुत ज़्यादा है उस गाड़ी के। तो बाकी किस्मत एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आपने जो गाड़ी खरीदी वो कभी ख़राब ही ना होए, दैट नेवर आस्क फॉर एनी पार्ट्स चेंज और एनीथिंग। ऐसा भी होता है, सिर्फ ऑयल चेंज, गियर ऑयल चेंज और बेसिक फ्लूइड चेंज कराओ, टायर चेंज कराओ एंड देन एवरीथिंग इज़ रनिंग गुड। ऐसा भी होता है, ऐसी भी किस्मत है बहुत लोगों की। तो दैट्स इट, तो ये सीन है। इसीलिए मैं थोड़ा नर्वस भी हूँ और हैप्पी भी हूँ कि मैं अपने लिए गाड़ी लेने जा रहा हूँ। और दैट्स इट, लेट्स गो। तो बेसिकली मैं यहाँ पे आ गया हूँ जहाँ पे मैं मेरी होने वाली कार को लेके जाऊंगा अभी अली भाई के गराज में। दे विल चेक बेसिक चीज़ें, कुछ मेजर प्रॉब्लम ना हो, कोई मेजर ऑयल लीकेज ना हो एंड ऑल दोज थिंग्स, और दैट्स इट। देन आई विल ट्रांसफ़र, देन आई विल डू इंश्योरेंस एंड ऑल दोज थिंग्स। आई एम बिट एक्साइटेड, लेकिन दैट्स इट। आई विल पार्क दिस कार हियर एंड टेक दैट कार टू अली भाई शॉप, बिकॉज द ओनर ऑफ दैट कार इज़ रियली बिजी टूडे, ही कैन नॉट गो। वो तभी आएगा जब सिर्फ ट्रांसफ़र ओनरशिप चेंज होगी। सो फेयर इनफ, आई मीन आजकल लोग इतना भी भरोसा नहीं करते एक दूसरे के ऊपर, बट दिस गाय इज़ गुड। वो गाड़ी निकाल रहा है ऑलरेडी, तो मैं जाता हूँ। तो मैं हूँ अभी बैठा हुआ अपनी होने वाली गाड़ी में, आई डोंट नो दैट्स द वर्ड, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। अभी अभी मैंने सीन क्रिएट कर दिया था यहाँ पे, बिकॉज मैं पार्किंग नहीं कर पा रहा था। तो जो
ओनर है उसने खुद मेरी गाड़ी पार्क की है एंड या दैट्स इट. सो आई एम गोइंग नाउ विल सेम एज आई सेड अली भाई की गैराज एंड देन विल सी. सो बेसिकली जो ओनर है इस गाड़ी का उसने ये गाड़ी बहुत ही टेक केयर करके रखी है. तो गाड़ी हैज़ लाइक नो नॉइज, वेरी गुड क्वालिटी टायर्स, हर चीज़ एवरीथिंग इज़ मेंटेन्ड सो वेल. इज जस्ट ड्रिवन 270,000 किलोमीटर. तो उसका आप थोड़ी थोड़ी से मतलब चीज़ें नोटिस कर सकते हो, जैसे कि आर्म रेस्ट घिस गए हैं, थोड़े से सीट पे स्क्रैचेस मार्क्स हैं और ये छोटी छोटी चीज़ें. बट दिस इज़ सच अ सरीन, सच अ क्वाइट, सच अ नाइस प्लेस टू स्टे. और जो भी आपको थोड़ा बहुत सुनाई देता है दैट इज़ अ बर्बल साउंड ऑफ V8 इंजन विच इज़ ब्यूटिफुल. दिस इज सुपर चार्ज काइंड ऑफ टॉप रेंज मॉडल. कूलिंग हीटिंग बोथ सीट्स, पीछे भी कूलिंग है और हीटिंग है, आगे भी कूलिंग है एंड हीटिंग है, तो विच इज़ अमेजिंग. और ये जो आप ये पाइपिंग देख रहे हो इस गाड़ी में विच इज़ अमेजिंग. तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसने मुझे मजबूर कर दिया था कि बेटे यही गाड़ी लेनी है. और एयर सस्पेंशन जो कि मेक्स दिस कार यू नो वंडर, मतलब इस गाड़ी की ड्राइविंग में जो सबसे बड़ा हाथ है वो एयर सस्पेंशन का. प्लस गाड़ी इतनी क्वाइट है कि मतलब दिस इज द बेस्ट प्लेस टू लिसन योर फेवरेट म्यूजिक. म्यूजिक से बताता हूँ आपको, दिस हैज हार्मन एंड कार्बन. मोस्ट रेंज रोवर हैज हार्मन एंड कार्बन सिस्टम, तो विच इज वेरी ब्यूटिफुल. वन ऑफ द नाइसेस्ट साउंडिंग म्यूजिक सिस्टम्स इन कार इंडस्ट्री. मतलब मैंने आज तक जितनी भी गाड़ियाँ चलाई हैं कंपेरेटिवली रेंज रोवर के सिस्टम्स आर रियली रियली गुड. मतलब इवन आफ्टर 10 years, 15 years ये सिस्टम मतलब अभी भी अच्छे चल रहे हैं. जबकि मैंने जो दूसरी गाड़ी के अपग्रेडेड सिस्टम्स चलाए हैं वो 10-12 साल के बाद में कुछ ना कुछ डिस्टॉर्शन या कुछ ना कुछ ऐसे उसमें आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं. सो मतलब दिस इज़ लॉन्ग लास्टिंग इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक. तो यस एंड एज आई सेड वेरी क्वाइट, वेरी प्लश प्लेस टू स्टे. लेकिन उसके लिए आपको हमेशा पे करना पड़ता है, यू नो इफ यू नीड समथिंग नाइस यू हैव टू पे. सो यहाँ पे गाड़ी का तो इतना एक्सपेंसिव नहीं है गाड़ी, लेकिन एक्सपेंसिव क्या है कि अगर इफ इट ब्रेक्स डाउन मतलब इट गिव्स यू हार्ट अटैक, दैट्स द ओनली थिंग. देयर इज नो ब्लाइंड स्पॉट और एनीथिंग लाइक दैट. इट्स ह्यूज विंडोज, मतलब जो कार का साइज है परसेंटेज वाइज विंडोज आर ह्यूज. मतलब ऐसा लगता है पूरी दुनिया यू कैन सी फ्रॉम हियर. तो अभी मैंने इस गाड़ी को 125 किलोमीटर पर आर तक चलाया था एंड अलाइनमेंट एंड टायर एवरीथिंग इज जस्ट गुड. नाउ सारी चीज़ें आती हैं इस चीज़ पे कि जब ये गाड़ी को लिफ्ट में रख के ऊपर उठाएंगे गैराज में तो नीचे कोई मेजर ऑयल लीकेज या कोई ऐसी वो प्रॉब्लम्स ना हो, जो कि मुझे फील नहीं हुई वो चीज़ें होंगी, कोई प्रॉब्लम्स होगी इस गाड़ी में. क्योंकि होना होता तो अब तक हो जाता जितना लंबा रास्ता मैं तय करके आया हूँ और जिस स्पीड से मैंने गाड़ी चलाई है, लेकिन ऐसा कुछ मुझे फील नहीं हुआ. बाकी मोमेंट ऑफ ट्रूथ तो गैराज में ही जाके पता चल सकता है. आई डोंट नो इफ यू कैन हियर दिस बर्बल साउंड विच इज़ गुड विच इज़ नाइस. अगर आपकी गाड़ी इतनी क्वाइट है एंड द ओनली थिंग यू हियर इज़ दैट एंड AC इज़ वेरी इफेक्टिव. इसमें 6 वेंट्स हैं. बाकी गाड़ी का पूरा रिव्यू मैं गाड़ी की जब डीप क्लीनिंग कराऊंगा, लाइक सीट्स शैम्पू होंगे, पूरी गाड़ी शैम्पू होगी, पॉलिशिंग होगी, उसी के बाद में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में गाड़ी अच्छे से दिखाऊंगा. एंड गाड़ी का जो कलर है दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. कैमरे में लगता है वो ब्लैक है बट एक्चुअली इट्स नॉट ब्लैक. तो वो सब चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा, गाड़ी की हर चीज़ आपको बताऊंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में. अभी फिलहाल लेके जाते हैं हम लोग इसको गैराज में और इसको लिफ्ट पे रख के उठाते हैं एंड देखते हैं कि व्हाट इज मोमेंट ऑफ ट्रूथ. ही इज माई फ्रेंड, यू मेट हिम इन द लास्ट वीडियो. ही फिक्स जेगन्स कार ऑयल चेंज. सो व्हाट यू विल डू ब्रो टुडे? आई एम चेकिंग हियर द पार्ट्स. ओके, द सस्पेंशन, द बुशेस. Okay. There's any leakage downside. Mm-hmm. Yeah, that's what I want to know. Okay, so it's up to you now if I will buy this car or no. Yeah. You are the boss. Let me check and give you the guarantee now for the car. Oh, okay. Yeah. If later anything goes wrong, you can bash this guy. These are the major things I've seen in this car. So. Yeah.
मेरे भाई के हिसाब से बुशेस आरम बुश यस मनीकी रो आरम बुश ओके द टायरोन ओके किधर ही है द स्टीयरिंग नो द स्टीयरिंग बूट किधर ही है तो मेरी अभी अली भाई से भी बात हुई और थोड़ा एसी कम किया जाए मेरी अली भाई से बात हुई और गाड़ी को अच्छे से चेक किया सस्पेंशन चेक किया क्योंकि दिस कार हैज अ लॉट ऑफ सस्पेंशन इश्यूज तो वो सस्पेंशन अगर गड़बड़ हुआ तो वो सस्पेंशन सिस्टम जस्ट द सॉफ्टवेयर जो उसका कंप्यूटर होता है वो चेंज करने में हालत ख़राब हो जाती है मैकेनिक्स की तो वो चीज़ अच्छे से चेक की है तो पास कर दिया है इन लोगों ने बोल दिया है गाड़ी ले लो और छोटी मोटी जो कुछ चीज़ें हैं जैसे कि गाड़ी के नीचे वो गाड़ी के बुशेज अंडर आर्म बुशेज और ये सब चीज़ें ये एक दो चीज़ें हैं जो पुरानी होने के बाद में मतलब इतनी गर्मी में वो टाइट हो जाती हैं या उनमें क्रैक्स आ जाते हैं तो वो चीज़ें हैं जो एक टाइम के बाद में जब भी टाइम मिलेगा फ्यूचर में वो नए डलवा देंगे तो गाड़ी में और भी ज़्यादा सॉफ्टनेस आ जाएगी अदर देन दैट गाड़ी इज़ इन एक्सीलेंट कंडीशन एवरीथिंग इज़ परफेक्ट एंड एवरीथिंग इज़ फाइन सो आई एम वेरी हैप्पी तो आई एम गोइंग नाउ कि मैं इस गाड़ी को पहले तो पास कराऊँ पासिंग होगी इस गाड़ी की और उसके बाद में इंश्योरेंस बनवाऊँगा यहीं से और फिर उस ओनर के पास जाऊँगा और देन विल डू द ओनरशिप ट्रांसफ़र तो अभी मैं प्रियंका को फ़ोन करता हूँ क्योंकि उसका मिस कॉल आया हुआ है मेरे पास पास हो चुकी है गाड़ी एक बार में पास हो गई ऑफ कोर्स होनी थी गाड़ी पास और बस अभी इंश्योरेंस हो गया है तो जाके बस ट्रांसफ़र करना है यानी मैं अपने डॉक्यूमेंट्स दूंगा ओनर अपने डॉक्यूमेंट्स देगा एंड आई विल गिव हिम कैश कैश से याद आया कैश निकालना है वहाँ पहुँचने से पहले सो लेट्स गो गाइस गाड़ी मेरे नाम पे ट्रांसफ़र हो गई है हालत देखो मेरी मतलब गर्मी इतनी ज़्यादा गर्मी है यार आई डोंट नो वो जो लोग बाहर धूप में काम करते हैं वो लोग कैसे करते हैं आई मीन इट्स सो मेरे से 10 मिनट नहीं खड़े हुआ जा रहा था वहाँ पे मेरी हालत ख़राब हो गई आई रियली अप्रिशिएट देयर हार्ड वर्क रियली रियली आई मीन आई डोंट नो व्हाई पीपल वर्क अंडर इट्स 48 49 46 डिग्रीज मतलब मजाक नहीं ऐसा लगता है कि तुम्हें रोस्ट कर रहे हो तुम सच में रोस्ट हो रखे हो वहाँ पे वेरी हैप्पी फॉर दिस परचेज गाड़ी एकदम क्लीन थी नीचे से छोटी छोटी चीज़ें थी जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई हैं गाड़ी में बट एक्सेप्ट दैट लाइक एवरीथिंग इज़ फंक्शनल एवरीथिंग इज़ वर्किंग प्रॉपरली बट नाउ इट्स अप टू मी कि मैं आगे इसको मतलब फ्यूचर में कैसे टेक केयर करूँगा गाड़ी पे जो फिल्म लगी है वो बहुत अच्छी और हाई क्वालिटी की है और जो सामने विंड स्क्रीन पे फिल्म लगी है 3M की वो भी बहुत एक्सपेंसिव और हाई क्वालिटी वाली है आई डिड नॉट इवन नोटिस कि कुछ है लेकिन बाद में उस आदमी ने मुझे दिखाया तो यस इट्स अ गुड क्वालिटी और अली भाई के भाइयों ने मुझे बताया कि कार इज़ गुड कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ है गाड़ी का नीचे से आगे से पीछे से ऊपर से हर तरीके से उन्होंने चेक किया गाड़ी का सस्पेंशन चेक किया हालांकि गारंटी किसी चीज़ की नहीं है आज मैं गाड़ी लेके आया कल कोई चेक इंजन लाइट आ जाए कल कुछ सस्पेंशन में इशू हो जाए लेट्स नॉट से एनीथिंग अदरवाइज वो सारे लोग सही साबित होंगे और मैं गलत साबित होऊंगा कि सब लोगों ने बोला था कि मत ले रेंज रोवर मत ले कोई टोयोटा या निसान ले रेंज रोवर मत ले लेकिन बट मेरा मन नहीं मान रहा था आई मीन द अमाउंट ऑफ कम्फर्ट एंड क्वालिटी आई फील हियर इवन होल्डिंग स्टेयरिंग व्हील फीलिंग दिस कोल्ड चेयर्स कोल्ड सीट्स आई एम सेइंग चेयर्स दीज आर प्रोबेबली सोफा लाइक द मोस्ट कम्फर्टेबल सीट्स आई हैव एवर सेट ऑन इट्स जस्ट सो नाइस आई एम वेरी हैप्पी बेसिकली सो दैट्स व्हाई आई एम स्पीकिंग लाइक दिस या और ये सुपर चार्जर V8 के बर्बल्स ऑल गुड अमेजिंग हालांकि फ्यूल का प्राइस जितना बढ़ा हुआ है और जितने दूर हम रहते हैं सिटी से वो सब मद्देनजर रखते हुए तो ये गाड़ी बनती नहीं है बट बाकी सब आगे की बात है बाकी जो भी है मतलब मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आपसे सो लेट्स गो होम एंड लेट्स सी हाउ प्रियंका रिएक्ट्स
लेट्स सी कि प्रियंका का क्या रिएक्शन होता है अभी। और प्रियंका के हाथ में नींबू है। हाय आलिया, हाय आलिया, रख दिया, ये ले दिखा, ये फोन ले ले। पूरे घर में मुझे तेरा कैमरा कहीं नहीं मिला। ओके। मेरे आंखों में चला गया, धोने दे पहले। ओ आंखों में प्रियंका के आंख में नींबू चला गया पटकने से। उसने भी एकदम मुंह वहीं पे नीचे घुसाया हुआ था। सो अगर कोई भी बुरी नजर थी वो चली गई। हाय, ही यू आर बिट स्केर्ड, ही गाइस हम लोग आए हैं अभी अभी JBR में। और आई डोंट नो, ओ दैट्स अ दुबई आई। टू मेनी फिश, गोल्डी द फिश, काका। तो हम लोग आए बेसिकली JBR में। आई डोंट नो हाउ टू शो यू। और मेरी दाढ़ी पूरी भीग चुकी है, पसीना मतलब बॉडी के हर एंगल से निकल रहा है। और इस लड़की को बाहर झूला पे खेलने जाना है। पापा सो टायर्ड आलिया, लेट्स गो इनसाइड मैकडी KFC व्हाटएवर कम्स फर्स्ट। देखो वहाँ पे क्या लिखा है, जेंट्स नाइट। फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कहीं पे जेंट्स नाइट, थैंक गॉड। Hey, Kitty.